सरकारी स्कूलों की बदहाली की दास्तां आपने खूब सुनी होगी, लेकिन कोई ऐसा भी है जिसने सरकारी स्कूलों की बदरंग तस्वीर में रंग भरने का काम किया है? मामला बांसवाड़ा से है, ये रिपोर्ट देखिए। भले ही सरकारी व्यवस्था में कमियों को लेकर हर कोई सरकार को कोसता रहता हो, लेकिन कोई ऐसा भी है जो कीचड़ में कमल खिलाने की कोशिश में लगा है। जी हां, बांसवाड़ा के एक दंपति ने आदिवासी अंचल के जिले के सरकारी स्कूलों की तस्वीर ही बदल कर रख दी। 13 सरकारी स्कूल आज खुद पर गुमान करते हैं, क्योंकि इन्हें संदीप त्रिपाठी और स्वाति जैन का साथ जो मिला है। स्पर्श सेवा संस्थान के संदीप और स्वाति ने वाकई सरकारी स्कूलों की काया पलट कर दी है। जो पाठशाला प्रोजेक्ट है उसमें काम कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, हम गांव-गांव जाकर बच्चों को मोटिवेट करते हैं, स्कूल से जोड़ने की कोशिश करते हैं। उनको स्कूलों से जोड़ने का मतलब यह है कि ज्यादातर स्कूल जाए, स्कूल में बैठे, वहाँ पे ज्यादा समय निकाले। राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्रीराम कॉलोनी हो, राजकीय प्राथमिक विद्यालय डांगपाड़ा हो या राजकीय प्राथमिक विद्यालय जंतोड़ा के अलावा इसी तरीके के और भी कई सरकारी स्कूल हों, आज ये निजी स्कूलों की तरह ही आकर्षक दिखाई पड़ते हैं। स्कूलों की जिन दीवारों पर काई जमी रहती थी, आज वहाँ खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। दीवारों को रंगने का काम किया है, ईबीर कक्ष बनाए जिससे कि वो खुद से कुछ क्रिएटिव पढ़ सके, चित्र देख करके कहानियाँ क्रिएट कर सके, वाक्य क्रिएट कर सके। ये सारी चीजें हम लोग के दिमाग में आया तो हम लोगों ने शुरू किया। ये सब अगर संभव हुआ तो स्पर्श सेवा संस्थान की कुछ कर गुजरने की सोच और भामा शाहू के सहयोग से हुआ है। दरअसल इस सौंदर्यकरण के पीछे सोच सरकारी स्कूलों में कम हो रहे नामांकन की भी रही है, जिसे बढ़ाने के मकसद से समाज सेवी दंपति ने बीड़ा उठाया और आगे कदम बढ़ाते हुए एक मिसाल कायम करने की कोशिश की है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो बच्चों में जो प्राइवेट स्कूल्स को लेके जो प्राइवेट स्कूल जो शोबाजी करते हैं उसके कारण बच्चे वहाँ की ओर मुड़ रहे हैं, तो बच्चों को वहाँ से डायरेक्शन हटा के और उनके अभिभावकों को भी ये लगे कि नहीं, यहाँ भी प्राइवेट स्कूल की तरह ही अच्छी तरह से डेकोरम है और साज सज्जा है, ताकि वो बच्चों को यहाँ अंदर आने और प्राइवेट बच्चे भी यहाँ की ओर अंदर की ओर आएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ खूबसूरत इमारत से ही शिक्षा में सुधार आता है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आकर्षक दिखने वाले स्कूल की तरफ बच्चे खुशी खुशी के साथ खींचे चले आते हैं, जिसका असर भी कहीं न कहीं इन 13 स्कूलों पर दिखाई पड़ता है। इन स्कूलों में बच्चों का नामांकन पहले की अपेक्षा बढ़ा है। अब इन समाज सेवियों की कोशिश स्कूल में शिक्षा की बेहतरी के लिए कुछ काम करने की है। अब ये स्कूल इन पेंटिंग की वजह से निजी स्कूल से बेहतर हो गए हैं और नामांकन भी इस बार बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस दंपत्ति ने शिक्षकों और भामाशाहों से मिलकर अब तक 13 स्कूलों में पेंटिंग कर चुके हैं, जिससे इनकी पूरी तस्वीर बदल गई है। इनका मुख्य उद्देश्य है कि जो बदहाल सरकारी स्कूल थे वहाँ पर ग्रामीण बच्चे पढ़ाई करने नहीं जाते थे, अब इन पेंटिंग के बाद ये बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने को आ रहे हैं। कैमरामैन कुणाल त्रिवेदी के साथ अजय ओझा, जी मीडिया, बांसवाड़ा।